हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि गेट करना है, मतलब ऑन एंड ऑफ में पढ़ता रहता था, इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं थी थर्ड ईयर में, लेकिन मैंने तीन सब्जेक्ट्स कर लिए थे अच्छे से। जैसे कि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं, लेकिन कभी भी एक ही क्वेश्चन को बार बार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब टेस्ट सीरीज देने के बाद पूरा पीवाईक्यू लगा लिए, टेस्ट सीरीज लगा लिए, वर्कबुक लगा लिए, अपने सही से डिवाइड कर दीजिए कि कितने टेस्ट देने वाले हैं आप, तो सही से प्लान कर दीजिए कौन से दिन कौन से टेस्ट देने वाले हैं सही से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो आप देख सकते हैं मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जय चौड़ा, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट 2021, और अभी ये BRC मुंबई में पदस्थ है और अभी ट्रेनिंग कर रहा है। हेलो जय। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। जय, ये जो सेशन है इसमें मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे शेयर करना चाहूंगा जिसका जवाब चाहूंगा आपसे, जो स्टूडेंट्स कॉमनली पूछ रहे हैं लगातार, जो अभी नए स्टूडेंट हैं जो गेट 2023 के लिए जाना चाह रहे हैं, उनका कॉमन क्वेश्चन है। और मैं आपसे ऐसे भी सवाल पूछूंगा जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि आप अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में ये गेट जो रैंक 2 है वो आपने स्कोर किया था। सो पहला सवाल, ये है कि जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि गेट करना है, तो ये सबसे पहले आपके दिमाग में कब आया था कि गेट करना है? गेट करने का ख्याल मेरे दिमाग में आया था सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में डिसाइड किया था कि गेट के लिए जाऊंगा, कि PSC का तो पहली बार मैंने सुना था कि बढ़िया जॉब है, तो थोड़ा मन था PSC में जाने का उस टाइम पे, तो मैंने सेकंड ईयर में डिसाइड किया था कि गेट के लिए मैं जाऊंगा। तो थर्ड ईयर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, और थर्ड ईयर में मैंने बस 4 सब्जेक्ट उठाए थे और 4 सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ना स्टार्ट किया था धीरे धीरे। और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आई गेस थर्ड ईयर का सही टाइम रहता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का अपना, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर 2 साल काफ़ी बड़ा टाइम है, तो उसमें आप अच्छे से डीप में आप अच्छे से पढ़ पाते हैं कोर सब्जेक्ट्स को। तो मैंने थर्ड ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जो भी कोर सब्जेक्ट्स थे, और मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स थर्ड ईयर में खत्म कर दिए थे। तो मतलब ऑन एंड ऑफ में पढ़ता रहता था, इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं थी थर्ड ईयर में, लेकिन मैंने 3 सब्जेक्ट्स कर लिए थे अच्छे से, तो जो मुझे बाकी प्रिपरेशन में काम आए थे फोर्थ ईयर में। तो जैसे आपने सोचा कि थर्ड ईयर में अब चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल सिलेबस की बात करूं, मोटा मोटी अगर हम गेट एग्जाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में बात करें, गेट के सिलेबस के बारे में, तो 12 सब्जेक्ट्स हैं लगभग, और ये 12 सब्जेक्ट को कैरी करना, पढ़ाई करना, सिलेबस खत्म करना, सो आप जब पढ़ाई शुरू किए थे तो एक सब्जेक्ट लेके चल रहे थे साथ में कि मल्टीपल सब्जेक्ट लेकर चल रहे थे? शुरुआत में जब बहुत ज्यादा टाइम थर्ड ईयर में मेरे पास, तो मैंने एक सब्जेक्ट ही लिया था स्टार्ट करने के लिए, तब इतने डायरेक्शन भी नहीं थी, मतलब इतना प्लानिंग भी नहीं था, इतने डायरेक्शन भी नहीं थे, तो मैंने बस एक सब्जेक्ट लिया था, तो एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद दूसरा, दूसरे करने के बाद तीसरा, और फिर वापस रिविजन, तो ऐसे मैंने किया था उस टाइम पर। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना सही रहता है प्रिपरेशन में, कि फोर्थ ईयर में मैंने फिर 2 सब्जेक्ट 7 बजे के वापस से पढ़ाई स्टार्ट की थी। ओके, 2 सब्जेक्ट आपने लास्ट ईयर में किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट लेके प्रिपरेशन किया जा सकता है, अच्छी बात है मतलब। सो जय, अगर मैं बात करूं, आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, और कहीं ना कहीं एक जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं और गेट का प्रिपरेशन करते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि कॉलेज के काम और गेट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज में जैसे असाइनमेंट हो गए, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए, सो वो बीच में आते हैं, सो उसके साथ अपना जो पढ़ाई है गेट की पढ़ाई, उसको कैसे मैनेज करें? उस केस में आपको अपने प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी कि आप प्रायोरिटीज कौन सी है, कि कॉलेज के असाइनमेंट एग्जाम्स या फिर गेट की प्रिपरेशन है, तो मैं बोलूँगा कि प्रिपरेशन को पहले रखें और पहले अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें, और उस प्रिपरेशन के टाइम से थोड़ा टाइम निकाल के अपने कॉलेज के कामों में दें, असाइनमेंट वगैरह जो भी है, तो प्रायोरिटी अपनी गेट प्रिपरेशन देनी चाहिए।
फिर उसमें से टाइम निकाल के आप अपने कॉलेज का काम कीजिए, और जब एग्जाम्स आ रही है सेमेस्टर एग्जाम सब भी प्रिपरेशन कभी भी नहीं छोड़नी, कि जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो इतने लंबे टाइम के लिए प्रिपरेशन से, तो मोमेंटम आपका जो आपने गेन किया था एग्जाम से पहले तो पूरा लूज हो जाता है पूरा, तो फिर वापस रिगेन करने में टाइम लगता है। तो मैं बोलूँगा कि आपने फॉर्मूला शीट्स पहले बना लीजिए जो भी हैं सारे सब्जेक्ट्स के, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे प्रिपरेशन के टाइम पे, तो उनको आप मिनिमम एक घंटा आप रिवाइज कर लीजिए, फिर एग्जाम्स के टाइम भी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब तीन चीजें निकल के आती है, एक है कंसिस्टेंसी, दूसरा है कि आपका प्राथमिकता क्या होना चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन। सो ये तीन चीजें अगर आप करते रहेंगे तो मुझे लगता है प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ये आप कह रहे हैं। जय, जैसे कि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया में अगर हम एक्टिव हैं या वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब को अगर प्रेफर कर रहे हैं तो यूट्यूब में और भी वीडियोस आ जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक इंसान के लिए जो ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मुझे लगता है जहां पे ध्यान चला जाता है। सो ये डिस्ट्रैक्शंस आप कैसे मिनिमाइज किए? अगेन वही चीज है कि प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए आपकी, तो आपकी प्रायोरिटी गेट प्रिपरेशन है तो आपको उससे प्रोटेक्टना बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा मतलब नोटिफिकेशन सारे ऑफ रखे थे मैंने, बस मैं टेलीग्राम चलाता था ज्यादा, कि टेलीग्राम पे जब एक प्रिपरेशन से ग्रुप है उस पर लोग डाउट पूछते थे, अच्छे से डिस्कशन होते हैं इसमें डाउट्स में, तो वो एक यूजफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। तो मेरा बस टेलीग्राम पे ज्यादा टाइम चलता था, या फिर बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टाइम पढ़ते रहना है, बिल्कुल आप देख सकते हैं यूट्यूब वीडियोज, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं आपकी, थोड़ा आपने अच्छा खासा पढ़ लिया 2-3 घंटा, फिर आपने थोड़ा सा टाइम निकाला 15-20 मिनट आपने उसमें दिया, तो उसमें कोई गलत नहीं है, आप पूरा दिन नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए दिन में तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें ओवर नहीं होनी चाहिए, आपको अपने लिमिट बतानी चाहिए कि कब मुझे रुकना है, तो वो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ रुकना है, आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो जितना भी चीज आप कर रहे हैं वो सेल्फ के ऊपर है, तो सेल्फ डिसिप्लिन मुझे लगता है कि क्राइटेरिया है। और एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि नोटिफिकेशन आपने ऑफ करके रखा था जहां पे काम नहीं है या जहां से आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उनके नोटिफिकेशन आप ऑफ करके रखे थे। अगला सवाल कि जैसे कि रिव्यूजन, अब देखिए इतने सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, तो आप पैरेलल रिवीजन को प्रिफर करते थे कि पूरा सब्जेक्ट सिलेबस आपने एंड किया, और सिलेबस एंड किया तो कब एंड किया, आपके अकॉर्डिंग आपने सिलेबस कब एंड किया था, और रिवीजन और टेस्ट सीरीज कैसे आपने किया? ऐसे रिवीजन नहीं कर सकते कि आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया फिर मतलब पूरा सिलेबस हो गया उसके बाद आप रिवीजन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है तरीका। आपको एक सब्जेक्ट आपने कर लिया फिर उसका मिनिमम एक वीक के अंदर वापस आपको रिविजन करने पड़ेगा, तो आपको एक वीक के बाद, एक महीने के बाद, तो ये रिविजन करते रहना पड़ेगा आपको, कि आपको अगर आपने एक सब्जेक्ट कर लिया फिर दूसरे सब्जेक्ट आपने उठाया है तो पिछले वाले सब्जेक्ट से आप डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए, तो उसकी चीज़ें भी याद रहे, उसके लिए भी आपको जब आप नया सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से टाइम निकाल के आपको पुराने सब्जेक्ट का वापस रिवाइज करना है। अगर आपके पास टेस्ट पड़े हुए हैं तो टेस्ट सीरीज लिए हुए तो उसको आप मिनी जो भी छोटे छोटे टेस्ट सब्जेक्ट वाइज वगैरह तो वो आप दे सकते हैं उसमें से, अदर सिलेबस टेस्ट रहते हैं 15-20 मार्क्स के, तो आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं आप वो, और या फिर गेट के क्वेश्चंस वापस रिवाइज कर सकते हैं उससे, तो या फिर वो आप बुक सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ भी करके आपको उसको रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट्स को, तो पैरेलल रिविजन ही करना है हमेशा। और सिलेबस तो आपका ऐसे तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना कितना है आपको, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो वो आपको सबसे पहले कवर करनी है, फिर आपको बाहर की चीज़ों में जाना है जैसे कि प्रोडक्शन वगैरह, इंडस्ट्री इंजीनियरिंग वगैरह, जिसमें टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जो बहुत ही आउट ऑफ चले जाते हैं फिर प्रिपरेशन से, सिलेबस से, तो कई लोग तो उसी में लग जाते हैं कि ये नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, उसको पढ़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना है पहले, तो वो पहले कंप्लीट करिए, जो बल्क जो आपका कंटेंट है जो मैक्सिमम मार्क्स कैरी करेगा आपको, जो ज्यादा स्कोर करवाएगा, तो वो आपको पता लगेगा कि जब आप सारे गेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपको पढ़ना कितना है, कि उसका उससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गेट में,
तो उससे आइडिया आ गया कि आपको ये चीजें पढ़नी है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो पहले कंप्लीट करना है, तो वो आपका भी बर्डन कंप्लीट खत्म हो जाएगा आपका पढ़ने का, फिर आप छोटे छोटे चीजें और छोटे छोटे नए नए कंसेप्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब एक प्लानिंग होना चाहिए कि किस तरीके से जिस युद्ध को लड़ने जा रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे सवाल आपके सामने आने वाले हैं, उसकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे आपने एक अच्छी बात मेंशन की, सिलेबस कभी एंड नहीं होगा, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जब तक हम एग्जाम नहीं देते तब तक एज अ एस्पिरेंट मैं भी मानता हूँ कि यस, कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि यार ये चीज है ना, तो सिलेबस एंड के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आगे के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो पैरेलल रिवीजन करते हुए चलना चाहिए। कोई टेक्स्ट बुक रिफर करते थे आप जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आप टेक्स्ट बुक रिफर करते थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए? टेक्स्ट बुक में जब थर्ड ईयर में था तब मैंने कोर्स के लिए रिफर किए थे, बिल्कुल, जो भी सॉम है, थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हीट ट्रांसफर है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स मैंने रिफर की थी। और एक बार मैंने पहले भी जब सेमेस्टर एग्जाम से तब भी मैंने बुक एक बार रेफर की थी, तो दूसरी बार रेफर करने मेरे लिए आसान था कि बुक में आपको बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, तो आप या तो एनपीटीएल देख सकते हैं या तो बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तब हो सकता है कि जब आपके पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन अब अगर प्रिपरेशन ही आप स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, और आपको बस 10-12 महीने आपके पास, तो इतना टाइम नहीं रहता कि आप एनपीटीएल देख लें या फिर टेक्स्ट बुक पढ़ लें पूरा। तो टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ऐसे कंसेप्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें आपको क्लैरिटी होना जरूरी है, तो पूरी पूरी बुक नहीं पढ़नी, तो कुछ कंसेप्ट ही उसमें से पढ़ने आपको, कुछ टॉपिक्स पढ़ने बुक से, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए कंसेप्ट में। और बाकी तो आपको जब भी आप कोर्स ले रखे हैं शायद, या फिर यूट्यूब वगैरह फॉलो कर रहे हैं, तो उससे आपको पढ़ना है, फिर गेट के ओरिएंटेड पढ़ना है, फिर आपको टेक्स्ट बुक में ज्यादा डीप नहीं घुसना है। एक सवाल जो निकल के आता है स्टूडेंट्स के में कि जैसे टेस्ट सीरीज दे दिया, टेस्ट सीरीज देने के बाद पूरा पीवाईक्यू लगा लिए, टेस्ट सीरीज लगा लिए, वर्कबुक लगा लिए, उसके बाद स्टूडेंट बोलते हैं कि सर नए क्वेश्चंस और कहां से लगाए, एक चीज। दूसरा चीज, कहीं ना कहीं उनको पीवाईक्यू से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं और वर्कबुक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं या टेस्ट सीरीज जो पहले दिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, तब तक दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नया क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो ये दोनों चीजों का जवाब चाहूंगा कि अगर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए आप क्या रिफर करते थे कि वही क्वेश्चन से आगे बढ़ते थे उसी को बार बार करके, और दूसरा नए क्वेश्चन जब सामने आते थे तो उस समय आप क्या सोचते थे? देखिए, एक क्वेश्चन बार बार करने से फायदा नहीं होने वाला, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए कि नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपके पास बहुत सारा कंटेंट है करने के लिए, जैसे कि गेट पीवाईक्यूज हो गए, फिर अपने ईएससी के पीवाईक्यूज हो गए, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं, आपने कोई भी वर्कबुक परचेज की होगी तो कोचिंग के वर्कबुक्स आप कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर उसके बाद भी कुछ करना है तो आप टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, तो या फिर बहुत सारे क्वेश्चन है, आईएएस के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोर्स सब्जेक्ट्स के मिल सकते हैं आपको, तो बहुत सारे आपके पास कंटेंट है करने के लिए, तो लेकिन कभी भी एक ही क्वेश्चन को बार बार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको नए नए क्वेश्चन के लिए दौड़ना है कि कैसे नए क्वेश्चन ढूंढने आपको, तो इतने सारे कंटेंट, इतने सारे सोर्सेज बता दिए तो पहले ये कर सकते हैं आप, और इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, प्रिपरेशन का पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा, इतने सारे क्वेश्चंस करने में कि आप हर क्वेश्चंस, जब भी आप कोई क्वेश्चंस उठाते हैं जैसे कि पीवाईक्यूज में से या फिर वर्कबुक वगैरह में से, तो आप मार्क भी करेंगे कुछ क्वेश्चन को आपने डिफिकल्टी, जो भी डिफिकल्ट लगे आपको, या फिर कुछ नया कंसेप्ट आए तो वो आप मार्क कर देंगे क्वेश्चन को, तो वापस से उसको रिवाइज कीजिए बस, कि जो नए कंसेप्ट हैं जो आप भूल सकते हैं फ्यूचर में, तो बस उनको मार्क कीजिए और वापस उनको रिवाइज कीजिए, लेकिन उनको भी बार बार रिवाइज करके रखना नहीं है, एक बार आपको कंसेप्ट याद रह गया तो फिर वापस से नए क्वेश्चंस की तरफ जाना है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार टेस्ट सीरीज जो मैंने प्लान किया है स्टूडेंट्स के लिए, वो ऐसा प्लान किया कि चैप्टर वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज नहीं, आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया कि एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन, मतलब आप अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ तो उसको 7 चैप्टर में हमने डिवाइड कर दिया, और हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन, सो ऑलरेडी आप 70 क्वेश्चन तो नए क्वेश्चंस लगा लिए पीवाईक्यू वर्कबुक के अलावा,
सो मुझे लगता है कि इस तरीके से रिविजन के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन आ रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये सोचा और ये टेस्ट सीरीज इस बार हमने प्लान किया, और इस बार गेट 2023 के लिए ये चीजें स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जय, लास्ट सवाल या मैं आपसे, एक स्टूडेंट्स जो अभी आपके जूनियर्स मैं कहूँ या जो गेट 2023 के लिए जाने वाले, उनका 6 महीने का क्या प्लान होना चाहिए? अभी कहीं ना कहीं 6 महीने ही बचे, तो ये 6 महीने का क्या प्लान? 6 महीने में आपको पहले तो सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना खत्म करना है। तो खत्म करने का मतलब कि आपको मोस्टली कोर सब्जेक्ट्स होंगे जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े हैं, तो वो आपको पहले कंप्लीट करने की ट्राई करनी चाहिए। उसको सही से प्लान कीजिए कि आप कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी 6 महीने हो गए, तो अगर आपने किसी ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं किया तो बिल्कुल कर दें अभी, कि अब अगर स्टार्ट होने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब धीरे धीरे हर वीक अपना एग्जाम प्लान कर लीजिए कि फिर कौन से दिन आप कौन से एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अब जो आप रिवीजन करेंगे जो, तो वो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू ही करेंगे जो भी रिवीजन है आपका। तो आपको पहले एक दिन पहले आप थोड़ा पढ़ लीजिए उस सब्जेक्ट के बारे में, फिर उसी दिन या फिर दूसरे दिन टेस्ट दे दीजिए उसका। जो भी गलतियाँ हुई है उस गलतियों को आप नोट डाउन कर लीजिए एक बुक में, और ऐसे एनालिसिस करते रहिए उस एग्जाम में, और मार्क्स को इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए। मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, जो भी सिली मिस्टेक्स हो रही है उनको एक नोटबुक में लिख लीजिए। फिर अगर फॉर्मूला शीट्स की हुई है लोगों ने नहीं बनाई है कि किसी को बोरिंग लगता है बनाना, तो बिल्कुल गलत बात है कि करना ही चाहिए बिल्कुल, कि फॉर्मूला शीट्स आप बना लीजिए क्योंकि वो लास्ट में बहुत काम आती है। तो मैंने भी मतलब नहीं बनाई थी 6 महीने बाद फिर तब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के बनाए थे, फिर मुझे भी लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने बना ली थी, तो जो लास्ट में बहुत काम आए थे मेरे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिर आप नोट्स भी साथ में बना लीजिए, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसके, उस नोट्स को भी रिवाइज करते रहना है आपको। फिर लास्ट एक दो मंथ में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी, तो अपने जो सही से डिवाइड कर दीजिए कि कितने टेस्ट देने वाले हैं आप, तो सही से प्लान कर दीजिए कौन से दिन कौन से टेस्ट देने वाले हैं सही से, तो उस हिसाब से आप रिविजन करेंगे फिर। तो पहले तो आप सिलेबस कम्प्लीट करने के लिए ट्राई कीजिए, फिर उसके रिविजन के लिए प्लान कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल एकदम बात को, आपकी बात को मैं रखना चाहूंगा कि शॉर्ट नोट्स कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है, और शॉर्ट नोट्स अगर आपको पैसा है कि समय कम है बहुत सारा नहीं लिख पा रहे हैं, तो मार्केट में हैंड बुक्स अवेलेबल है तो उसकी भी मदद ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हैंड बुक को आप एकदम ब्लाइंडली उसको बोलेंगे कि वहीं से सीधा सीधा पढ़ेंगे, नहीं, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ मुझे लगता है कि उसको मैच करना चाहिए, तो उससे एक हेल्प आप ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जय, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, और मुझे लगता है ये जो गेट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी सजेशंस हैं, वो काफी काम आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।